हरियाणा में एक बार फिर से नौकरशाही में बड़ा बदलाव हुआ है। हरियाणा सरकार ने 5 आईपीएस और 3 एचपीएस अफसरों का तबादला कर डाला है। हरियाणा सरकार ने ट्रांसफर लिस्ट जारी करते हुए 1998 बैच के आईपीएस सौरभ सिंह को फरीदाबाद का नया पुलिस कमिश्नर बनाया है। इसके अलावा आईपीएस अशोक कुमार को आईजीपी साउथ रेंज रेवाड़ी बनाया गया है। वहीं आईपीएस ओम प्रकाश को आईजीएचएपी मधुबन बनाया गया है। इसके अलावा आईपीएस राजेश दुग्गल को फरीदाबाद का ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस बनाया गया है। वहीं मोहित हांडा को एआईजी वेलफेयर PHQ बनाया गया है। वहीं HPS मुकेश कुमार को DCP क्राइम एंड ट्रैफिक पंचकुला बनाया गया है। इसके अलावा HPS वीरेंद्र सिंह सांगवान को हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो का नया SP बनाया गया है। वहीं HPS राजेश कुमार को DCP क्राइम गुरुग्राम बनाया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने 11 नवंबर को 2 IAS अफसरों के तबादले कर दिए थे। वहीं 14 अगस्त को 3 IAS अफसरों का तबादला किया गया था, जबकि 1 अगस्त को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए हरियाणा सरकार ने 8 IAS और 4 HCS अफसरों का तबादला कर डाला था। वहीं 27 जुलाई को 15 IAS और 2 HCS अफसरों का तबादला हुआ था। इसके अलावा 23 जुलाई को हरियाणा सरकार ने 2 IAS और 10 HCS अधिकारियों का तबादला किया था। वहीं 5 जुलाई को 12 IAS अफसरों का भी तबादला हुआ था।